नमस्कार दोस्तों, ये है बीकॉम प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन नंबर 4, जो असाइनमेंट आपने बनाने हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, उसमें से इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं पहले बना चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप ये वीडियो देख सकते हैं, लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और इसको देखते हैं कि ये क्या है। ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, और पार्टनरशिप के अंदर भी ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है गार्नर वर्सेस मर्रे रूल वाला, जिसके अंदर एक पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो मतलब जो क्वेश्चन मेन इस चैप्टर से बनता है वही क्वेश्चन दिया है। तो पी क्यू आर एस ये 4 पार्टनर है, और इनकी रेशियो है 4-3-2-1, और इसके अलावा 30 अप्रैल 2011 को बैलेंस शीट दी है। फिर पॉइंट नंबर 1 के अंदर बताया है जो असेट्स इतने इतने की रियलाइज हुई है, यानी कि इतने की बिकी है। फिर फर्म को डिसॉल्व करने का खर्चा 7800 आया है, 18000 क्रेडिटर और पे करने पड़े हैं, और जो आर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। और फिर आपको गार्नर वर्सेस मर्रे रूल अप्लाई करते हुए आपको इसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, और कैश अकाउंट बनाना है। तो ये सब चीजें हैं। तो दोस्तों देखते हैं अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि आप ऐसे ही किसी भी नए बने हुए चैनल से आप अपने आंसर्स कॉपी करके और असाइनमेंट सबमिट मत कराइए। इनका कोई भरोसा नहीं है कि इनके आंसर ठीक भी है या नहीं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें बस अपने चैनल को व्यूज दिलाने से मतलब है और कोई मतलब नहीं है। इतने सारे नए चैनल्स बहुत तेजी से उभर के सामने आए हैं, और जो आनंद फानंद में जल्दबाजी में कुछ भी आंसर भराए जा रहे हैं, इनके पास ठीक से क्वालिफिकेशन भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो कृपया करके आप थोड़ा सा सावधान रहे, और जो सही आंसर है सब जगह से वेरीफाई करके और तभी आप कोई आंसर लिखे। हम जो है यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, तो अच्छे तरह से इसको वेरीफाई करके आपस में कैलकुलेट करके सब जगह से चेक करके फिर ये आंसर हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल से सभी आंसर देखेंगे तो आपको वो हमेशा सही मिलेंगे, ये एक रिलायबल चैनल है। अब देखते हैं क्वेश्चन को करने का तरीका। दोस्तों इसके अंदर हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है अभी ये खत्म हो रही है, तो जितनी भी असेट्स है वो सब बेच दी जाएंगी, और जितनी भी लायबिलिटीज है उन सबकी पेमेंट की जाएगी। तो ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले हम ये सारी की सारी असेट्स यहां पर लिख लेते हैं, चाहे वो फिक्स्ड असेट हो या फिर करंट असेट हो, हम ये सारी की सारी असेट्स है, ये आप मत लिखिएगा ऐसे, ये सारी असेट्स है। और इसी तरह से हम यहां पर सारी की सारी लायबिलिटीज लिख देते हैं, ये सारी लायबिलिटीज हो गई। फिर जितनी भी असेट्स है उनको यहां पर बेचा जाएगा, बेचने से पैसे आएंगे और उन पैसों से इन लायबिलिटीज की पेमेंट यहां पर की जाएगी। देखिए जितनी भी असेट्स थे यहां पर बेची है, ये क्वेश्चन में बताया गया है कि कैश लैंड एंड बिल्डिंग इतने की बिकी है, फर्नीचर फिक्स्चर इतने का बिका है, स्टॉक और डेटर इतने इतने के बिके हैं, कुल मिला के ये 4,09,000 रुपए के बिके हैं जो कैश की पेमेंट है। तो मतलब ये पैसा आपके पास आया है, फिर इसी तरह से ये कैश की एंट्री है, यहां पर आपने पेमेंट की है। देखिए आपको ये डिसॉल्व करने में खर्चा आया है 7800 रुपए, फिर जो क्रेडिटर थे वो तो थे ही थे, ये 36,000 की पूरी पेमेंट हुई है, उसने ये कहा कि कुछ एडिशनल और 18,000 के उसकी भी पेमेंट हुई है, तो 36 और 18,000। फिर ये जो मॉर्गेज लोन था इस मॉर्गेज लोन की भी पेमेंट की गई है, कुल मिला के 1,71,800 की पेमेंट की गई है। एंट्रीज हमारी सारी हो चुकी है, अब आप इन सब का टोटल करेंगे और इन सब का टोटल करेंगे, फिर ज्यादा वाले में से कम को आप माइनस करेंगे। इस बार क्या हो रहा है, ये वाली साइड ज्यादा आ रही है और ये वाली साइड कम आ रही है, तो इसके टोटल में से हम इसे माइनस करेंगे, तो जो भी बचेगा वो इन सब का टोटल है जितना भी बचेगा, और वो कितना होगा, वो होगा 100300, इतना बचा है। तो अब क्योंकि ये क्रेडिट साइड में आ रहा है तो इसलिए दोस्तों ये है सारे का सारा लॉस।
अगर ये इधर आता तो ये प्रॉफिट कहलाता, अब ये लॉस है, अब ये चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए ये पार्टनर्स में बंटता है, तो इस लॉस को हमने सारे पार्टनर्स में बांट दिया पी क्यू आर एस इनकी रेशो में, इनकी रेशो दी गई है 4-3-2-1 ऐसे करके पी क्यू आर एस। अब ये रेशो कैसे बनती है, अगर पी का हिस्सा निकालना है तो इसका हिस्सा ऊपर बटे में इसका टोटल सबका 10 ऐसे करके, तो P का बना 4/10, Q का बना 3/10 और R का बना 2/10 और S का बना 1/10। इसको डिवाइड करके हमने ये इनके अमाउंट लिख दिए, ये इनके लॉस वाले हिस्से, तो ये बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसके साथ हमें कुछ एडजस्टमेंट, कुछ एक वर्किंग नोट भी बनाना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके साथ कुछ वर्किंग नोट। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं इसका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है, इस तरह से हम सारे पार्टनर्स एक ही साथ रख देते हैं, उन्हें जो कुछ भी मिलता है वो हम इस साइड में रखते हैं, यानी क्रेडिट साइड से इनका अकाउंट बढ़ता है और डेबिट साइड से इनका अकाउंट कम होता है, क्योंकि ये एक पर्सनल अकाउंट है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनके कैपिटल बैलेंसेस से। जैसे कि जो पी और क्यू है, इनका ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का दिया हुआ है तो वो है आपके लायबिलिटी साइड में, तो इसलिए वो यहाँ आ जाएंगे क्रेडिट साइड में। लेकिन जो आर एस है उनके असेट साइड में बैलेंस दे रखे हैं, तो यानी कि उनके नेगेटिव बैलेंस है कैपिटल के लिए, तो वो इधर आएंगे। फिर इसके अलावा इन्हें और क्या मिल रहा है, इन्हें मिल रहा है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व इनकी 4-3-2-1 रेशो में बांट दिया गया है, 4-3-2-1 इस रेशो में बांट दिया है, आप ऐसे लिखना नहीं। तो जनरल रिजर्व को बांट दिया इस रेशो में और कैपिटल रिजर्व को भी इसी रेशो में बांट दिया है, तो इसका मतलब हमारी ये वाली एंट्रीज हो गई और हमारी ये वाली एंट्रीज हो गई। फिर इसके बाद जो प्रॉफिट लॉस होता है वो इनको दिया जाता है। प्रॉफिट होता तो हम यहाँ दे देते इनको, लेकिन अब लॉस है तो फिर इनसे यहाँ से लिया जाएगा, तो ये इनकी कैपिटल कम कर देगा, इसलिए जो इनका ये लॉस था वो लॉस भी इस साइड में आ गया। अब इसके अलावा अब जो इनको लॉस हुआ है वो ये लेकर भी आएंगे, तो अब ये जो लॉस लेकर आए तो वो एंट्री ये वाली आ गई। इन्होंने जिनको जितना भी रियलाइजेशन लॉस हुआ था, देखिए सेम टू सेम यहाँ पर आ गया, लेकिन जो आर है, आर उस लॉस को नहीं ला पाया, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है आर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज रियलाइज्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट स्टेट। उसके जो पर्सनल अकाउंट है, उसके जो उसके घर से, आप समझ लीजिए कि वो अपने घर से कुछ भी नहीं लेकर आया, उससे कुछ भी रिकवर नहीं हुआ। कई बार क्वेश्चन में ये भी दे देते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट उससे रिकवर हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आर का लॉस कितना है, ये आर का लॉस है 20,060। सपोज क्वेश्चन में कह देता कि ओनली 10,000 कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम आर, तो वो 10,000 रुपए यहाँ पर आ जाते, लेकिन आर से कुछ भी रिकवर नहीं हो पाया है, कुछ भी नहीं मिला है। तो अब देखो इतनी तो इसके अंदर हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, अब क्या होगा, अब ये डेफिशिएंसी वाला पार्ट है, इस डेफिशिएंसी वाले पार्ट को करने के लिए आपको ये वर्किंग नोट देखना होगा। अब इसके चले चलो देखते हैं, दिस इज कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो ऑफ सॉल्वेंट एंड पार्टनर्स, क्योंकि इसके अंदर गार्डनर वर्सेस मदर लग रहा है, और वो आपको ये कहता है कि अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसके जो डेफिशिएंसी आ गई, जो कमी आ गई है, उसकी भरपाई करेंगे सॉल्वेंट पार्टनर्स। सॉल्वेंट पार्टनर्स का मतलब है जिनके बैलेंसेस पॉजिटिव में है, जिनके पास अभी कुछ सरप्लस है, तो वो सॉल्वेंट पार्टनर्स इसकी भरपाई करेंगे। किस रेशो में करेंगे, कैपिटल रेशो में। तो कैपिटल रेशो ही कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशो ऑफ सॉल्वेंट पार्टनर्स। सबसे पहले हमने इनकी ओपनिंग कैपिटल लिख ली, देखिए पी और क्यू की है 1,60,000, 108,000 और एस की है 18,000 और वो नेगेटिव है, तो इसलिए ब्रैकेट में रखा है उसको 18,000 नेगेटिव। फिर जैसे जो इनको है जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व दिए थे, ऐसे ही इनको भी दे दिया है जनरल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। इसके अंदर आर नहीं आएगा क्योंकि वो तो इंसॉल्वेंट पार्टनर है,
ये तीनों के तीनों सॉल्वेंट पार्टनर्स है। अब इसका बैलेंस करा तो ये इस तरीके से हमें तीन एडजस्टेड कैपिटल मिल गई। अब हम देखें तो ये दोनों तो पॉजिटिव में है लेकिन ये नेगेटिव में है। जब ये ऑलरेडी नेगेटिव में है तो ये कुछ देने की कंडीशन में नहीं रहेगा, ये कुछ कंडीशन देने की हालत में नहीं रहेगा। तो इसलिए अब जो दिया जाएगा सॉल्वेंट पार्टनर्स की तरफ से तो वो सिर्फ पी और क्यू देंगे। तो यहां पर आ जाइए कैपिटल रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। अब इनकी रेशियो अगर बनाए तो जीरो से आप जीरो कैंसिल कर दो तो बच गया 216 और 144। इसको और डिवाइड कर दे हम और इसको हम कम कर दे तो 3:2 की रेशियो बन जाती है। तो अब आर की जितनी भी डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी कैसे पता चलेगी? आर की अभी तक जितने ये अमाउंट अवेलेबल है इन दोनों को आप प्लस करो और इसमें से ये वाले अमाउंट आप माइनस कर दो तो इससे आ जाएगी डेफिशिएंसी। और वो डेफिशिएंसी आई 21,060 रुपए। वो 21,060 रुपए आई। अभी 21,060 रुपए 3:2 की रेशो में ये दोनों देंगे तो 12,636 पी देगा और 8,424 क्यू देगा। तो यहां से इतने इतने इनके अमाउंट से हम इनको डेबिट कर देते हैं, इनका अकाउंट इतने से कम हो जाएगा। 12,636 और 8,424 यहाँ कोई एंट्री नहीं आएगी इससे रिलेटेड। तो इन दोनों ने दे दिया और ये देखिए आर को मिल गया, पी से मिले इतने और क्यू से मिले इतने। चलिए ये वाली एंट्री भी हो गई। अब जो रह गया है अभी वो रह गया सिर्फ इनका बैलेंसिंग फिगर। अब आप इधर के टोटल को इधर के टोटल से माइनस कर दीजिए, इधर कम आ रहा है तो बैलेंस इधर लिख देंगे। इसी तरह से क्यू के इस टोटल में से ये वाला टोटल आप माइनस कर दीजिए, इसका बैलेंस भी इधर आ रहा है। आर का तो पूरा हो चुका काम तमाम। और एस के इस टोटल में से इस टोटल को माइनस करेंगे तो इसके 6,000 यहां पर आ रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे बाई कैश, यानी इतना इतना पैसा तो ये ले जाएंगे लेकिन इसका बैलेंस इस साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में आ रहा है, तो एस को 6,000 रुपए लाने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट आपके वर्किंग नोट के साथ, यानी गार्डनर वर्सेस मर्डर रूल हमने अप्लाई कर दिया है। अब जल्दी से देख लेते हैं कि इसका कैश अकाउंट कैसे बनेगा। आइए अब देख लेते हैं कि इसका कैश अकाउंट भी कैसे बनेगा और फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। जो कैश अकाउंट होता है उसका नियम ये है कि आपने जो रियलाइजेशन अकाउंट बनाया और जो कैपिटल अकाउंट बनाया उसमें जहां कहीं भी कैश के नाम की एंट्रीज है वो सारी सारी उठा के आप यहां पर रख दीजिए। और रखने के बाद आपकी दोनों साइड एकदम मैच होनी चाहिए। अगर मैच हो गई तो आपका क्वेश्चन एकदम 100% ठीक है। आइए देखते कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले हम शुरू करें रियलाइजेशन अकाउंट से, तो सबसे पहले तो हम इसका बैलेंस ले लेते हैं। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस शीट में दिया हुआ है आपका बैलेंस बीडी कैश का 15,500। फिर जो आपको रियलाइजेशन अकाउंट से सारी असेट्स बेचने के बाद पैसा मिला, देखिए ये असेट का अकाउंट है तो ये डेबिट से बढ़ेगा और क्रेडिट से ये कम होगा। तो आपको जितना भी पैसा मिला रियलाइजेशन अकाउंट में असेट्स बेचकर वो सारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। इसी तरह से उसी अकाउंट में आपने जो आपकी लाइबिलिटीज थी उन सब की पेमेंट की थी तो वो सारे के सारे अमाउंट्स यहां पर आ जाएंगे, देयर इज नो चेंज इन दिस। और आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट के अंदर देखिए जो ये क्रेडिट साइड में कैश की एंट्री थी, जो ये लेकर आए थे अपने लॉस वाला पैसा, जो लॉस हुआ था लॉस वाला पैसा लेकर आए थे वो वाली एंट्रीज ये है। और इसके अलावा जो एस का क्लोजिंग बैलेंस आया था कैश के नाम से वो 6,000 की एंट्री ये है। दूसरी साइड डेबिट साइड में जो कैश के नाम की क्लोजिंग एंट्री थी पी की और क्यू की वो दोनों के दोनों ये आ गई है सेम टू सेम ये। और जब इसका टोटल किया तो ये दोनों का टोटल हमें मिलता है 5,10,740। अब क्योंकि ये दोनों के दोनों बैलेंस बिल्कुल सेम है तो इसलिए ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आप बहुत ध्यान रखिए कि आप सही जगह से ही आंसर कॉपी करके समझ के लिखें, ये नहीं जिस तरह से वीडियोस में दिखाते हैं ऐसे करके पेज आपके स्क्रॉल होते रहते हैं और उसमें से आप आंसर देख के लिख देते हैं। भाई आपको क्वेश्चन समझ में भी आना चाहिए, पूरा लॉजिकल होना चाहिए जिससे आपको ये पता चले कि ये क्वेश्चन एकदम सही है। आपको इस चैनल में सारे के सारे एकदम सही आंसर मिलेंगे। और इसका जो पिछला वाला क्वेश्चन है वो मैं कर चुका हूं पहले ही,
उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों मिलाकर आप अपना असाइनमेंट बहुत बढ़िया बना सकते हैं और मैक्सिमम नंबर गेन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे मैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।